प्रेज द लॉर्ड। भाइयों बहनों, आज हम लोग पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के पवित्र शास्त्र का वचन जिस पर चर्चा करने वाले हैं, वो वचन हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय पद संख्या 24 से 27 तक। ये विषय है मसीही दौड़। और पहले हम लोग वचन को पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आत्मा की अगुवाई में हमें क्या कहता है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु पुरस्कार केवल एक ही को मिलता है। तुम भी इस प्रकार दौड़ो कि जीत सको। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी सभी प्रकार का संयम रखता है। वह तो नष्ट होने वाले मुकुट की प्राप्ति के लिए यह सब कुछ करता है, परंतु हम नष्ट ना होने वाले मुकुट के लिए करते हैं। इसलिए मैं लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ता, ना मैं वाई मुक्केबाजी करता हूं, परंतु मैं अपनी देह को यंत्रणा देकर वश में रखता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके स्वयं अयोग्य ठहरूं। यह वचन मेरे लिए है, यह वचन आपके लिए है, यह वचन हम सबके लिए है, क्योंकि आज सुसमाचार सारे जगत में प्रचार हो चुका है और हो भी रहा है। जैसा यीशु ने कहा है कि राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार होगा और तब अंत आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी को भी मन फिराव का अवसर ना मिले, परंतु प्रत्येक को सुसमाचार मिले और प्रत्येक को मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कि हम लोग आप लोग समझते हैं, परंतु हमारे ही विषय में धीरे धरता है कि हमें मन फिराव का अवसर मिले, जो हम लोग देखते हैं। यहां साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन जो लक्ष्य पे फोकस रखते हैं, जिनका ध्यान केंद्रित है उस लक्ष्य पे, और जो उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, वही विजेता होता है। भाग तो सभी लेते हैं, परंतु जो संयम रखता है, जीत उसी की होती है। क्योंकि दौड़ में कभी हम आगे कभी पीछे हो सकते हैं, परंतु जो अपने पैरों को उस फुर्ती से दौड़ाता है जिस फुर्ती का मुकाबला संसार की कोई वस्तु नहीं कर सकती, वही आखिर में जीतता है। और वो संसार की वस्तु क्या है जो हमें उस लक्ष्य को पाने से रोकता है? वो है शैतान, ये पाप का शरीर, ये पाप का साम्राज्य, ये सांसारिक बोझ, ये सांसारिक चिंताएं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, आज क्या होगा, तमाम चिंताएं, रोजगार की चिंता, पढ़ाई लिखाई की चिंता, विवाह आदि की चिंता, परिवार की चिंता, मां बाप की चिंता, सब कुछ की चिंता जो संसार में पाई जाती है, वो सब शैतान हमें देता है। जीवन के लिए आवश्यक तो सभी चीजें हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो चिंता से हमें कोई वास्ता नहीं होगा, क्योंकि हम उस लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं जो हमें आनंद जीवन देता है। और वह हमारे मांगने के पहले ही जानता है कि हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। वह जानता है कि हम स्वर्ग के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहेंगे, तो यह सब वस्तुएं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसके विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में काम में आएंगी, और प्रभु हमें वो बीज उत्पन्न करेगा कि हम उसके निमित्त कार्य करेंगे। लेकिन शैतान जो है, यह संसार की जो बातें हैं, यह हमें उस लक्ष्य से हटाने का प्रयास करती हैं। वो माहौल हमें वैसा देता है शैतान कि हम उस लक्ष्य को जानते हुए भी, उसकी पहचान को प्राप्त करने के बाद भी अपनी समझ का सहारा लेकर नहीं पहुंच पाते। इसलिए परमेश्वर साफ साफ कहते हैं, बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं, क्योंकि यदि हम अपने शरीर के अनुसार दौड़ेंगे तो उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाएंगे, लेकिन यदि पवित्र आत्मा के द्वारा उस दौड़ में भाग लेंगे और विश्वास के साथ यीशु मसीह के मांस और लहू में से खाएंगे पिएंगे और अपने आप को क्रूस मृत्यु से पुनरुत्थान तक सौंप देंगे और अपनी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए भागेंगे, तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारे आगे चलने वाला, हमारे आगे दौड़ने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा होगा। हम में उन दूतों के समान बल होगा जो ऐसी दौड़ दौड़ते हैं जिनका मुकाबला वायु भी नहीं कर सकता, जैसा वचन कहता है। वो एक पंक्ति में दौड़ते हैं, उनकी दौड़ घोड़े के समान है, जैसे घोड़े की सेना दौड़ रही है, और वायु भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। उनके आगे आग भस्म होती है, ऐसी दौड़ हम लोग दौड़ेंगे और शैतान के तमाम कार्यों को नाश कर देंगे, क्योंकि मसीह के दौड़ में हम लोग सहभागी हैं और मसीह का आत्मा हम में दौड़ता है, परमेश्वर का पवित्रात्मा में दौड़ता है, कि वो हमें पाप के दासत्व जो हम आदम में मरते थे, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में स्वतंत्र करे और हमें सनातन काल का विश्राम दे और उस अनंत जीवन का मुकुट हमें दे जो हमें यीशु मसीह में विश्वास करने से मिलता है और पवित्र आत्मा के द्वारा दौड़ने से और अनुसरण करने से मिलता है।
क्योंकि विश्वास तो सभी करते हैं, पश्चाताप तो बहुत लोग ले आते हैं, लेकिन जो शारीरिक इच्छा को नहीं मार पाते हैं, जो आत्मा के द्वारा नहीं चलाए चलते हैं, वे दौड़ में विजय नहीं हो सकते। इसलिए हम अगर जीतना है हमें, तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीतना है। क्षमा प्राप्त करनी है, विश्वास करना है, तो यीशु मसीह के मांस और लहू में करना है। और अगर उद्धार पाना है, तो अपना सब कुछ परमेश्वर को सौंप देना है। और यदि हम इस संसार में सांसारिक वस्तुओं का दुख भी उठाते हैं, सांसारिक वस्तुओं को हम छोड़ भी देते हैं, त्याग भी करते हैं, तो हम उस उत्तम वस्तु को प्राप्त करते हैं जो नाशवान नहीं परंतु अविनाशी मुकुट है, जैसा वचन कहता है। तो आइए हम लोग अपने आप को सिर्फ दौड़ में शामिल ना करें, परंतु जीतने के लिए दौड़ें। और हमारी जीत यहोवा की जीत में है, उसके पुत्र यीशु मसीह में है, क्रूस मृत्यु से पुनरुत्थान तक और पवित्र आत्मा में है। तो हर एक सुनने वाला अपने आप को सौंपे। हम सब में कमियां हैं, हम में से बहुत कोई पवित्र आत्मा पाने के बाद भी अपने आप में कमी महसूस करते हैं। यह कमी महसूस करना अच्छा है, क्योंकि हमारा भरोसा पवित्र आत्मा है, क्योंकि हम ईश्वर की समानता में तो हो जाएं, लेकिन कभी भी ईश्वर के तुल्य ना ठहरे। हमेशा हमें यह सोच होनी चाहिए कि ईश्वर की इच्छा हमसे बढ़कर है। हमारे मन में बहुत सी इच्छाएं हो सकती हैं, जब हम पवित्र आत्मा में होंगे तो हमें बहुत सी इच्छाएं, अच्छी इच्छाएं हो सकती है। हमें लग सकता है कि ये तो मैं सही कर रहा हूं, लेकिन जो योजना, जो युक्ति यहोवा करता है, वही सर्वोत्तम है। हमें यह मानकर चलना है और उस आत्मिक दौड़ में भागना है, बिना भयभीत हुए और बिना अगल बगल देखे हुए। हमें बस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, जो लक्ष्य है यहोवा यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन का उद्धार। तो हर एक सुनने वाला आशीष पाए। आमीन।